नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आपका आपके अपने चैनल फिट इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस, जैसा कि आपने आज का थंबनेल देख ही लिया हो कि आज हम लोग किस बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट्स के बारे में। अगर आप भी एक स्टेरॉयड के एडिक्टेड हैं तो शायद ये वीडियो देखने के बाद आप छोड़ देंगे स्टेरॉयड, या फिर एकदम ही नफरत करने लगेंगे उससे। तो गाइस, बिना टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला जो इसका पॉइंट है वो स्वास्थ्य जोखिम से रिलेटेड है। स्टेरॉयड के आपके स्वास्थ्य पर कई संभावित नकारात्मक दुष्प्रभाव होते हैं। जैसा कि हम सबको पता है गाइस कि स्टेरॉयड के कोई भी एक भी जो है वो मतलब आपके लिए एक भी चीज में वो बेनिफिशियल नहीं है, उसके सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी पे हार्म्स ही करेगा वो, और कुछ नहीं करेगा वो। हृदय की क्षति करता है, मतलब आपका दिल कमजोर होता है। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा नए नए बच्चे जो होते हैं वो जॉन एब्राहम बनने के चक्कर में अपने बॉडी में इंजेक्ट करवा लेते हैं स्टेरॉइड्स और बहुत सारे सिंथॉल वगैरह यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनका दिल इतना कमजोर हो जाता है कि वो थोड़ा सा भी प्रेशर झेल नहीं पाता और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो गाइस, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। सेकेंड पॉइंट, कानूनी मुद्दे। गाइस, ये बहुत सारे देशों में अभी भी बैन है, इंडिया में भी बैन होना चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ। क्योंकि आप अगर एक छोटा सा भी कंपटीशन खेल रहे हैं ना, तो उसमें बच्चे भर भर के माल लगाते हैं अपने, मतलब भर भर के वो लोग स्टेरॉयड यूज कर रहे हैं और जजेस को भी पता है, बट फिर भी वो लोग निगलेक्ट करते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपना पैसा कमाने बैठे हैं, अपनी इनकम करने बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष हो एकदम, ना माल चले ना कोई भी दवाई चले, आप प्रोटीन लो, मेहनत करो, बॉडी बनाओ और स्टेज पे खड़े हो। जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है वो इन स्टेरॉयड यूजर्स की वजह से पीछे हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, आपको ये झूठी शारीरिक छवि देगा। यानी आप एक बाहर से आपका ढांचा बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जब आपका दिल कमजोर है, गुर्दा कमजोर है, आपका दिमाग आपके संतुलन में नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप ऐसी बॉडी का। और जैसा कि आप इनको देख सकते हैं, इन्होंने भर भर के स्टेरॉयड लिया है, मतलब फूल गए बस चारों तरफ से, एक गेहूं की बोरी जैसे होती है। और गेहूं की बोरी भी चली हो, अनाज है, उसकी हम लोग इज्जत करते हैं, लेकिन इनका तो धरती पर रहना बोझ है। सिर्फ भर भर के इन्होंने स्टेरॉयड यूज किया है, कोई मतलब नहीं ऐसी बॉडी का। मैं कहता हूं आप लोगों से कि तगड़े रहो, घर पे जरूरत पड़े 50 किलो की बोरी उठानी हो तो आप उठा सको, ऐसी बॉडी बनाओ कि आपके घर वालों को भी आप पे प्राउड हो। झूठी बॉडी लेके एक जो स्टेरॉयड यूज करते हैं ना, वो 90 किलो का लड़का, अगर उसके सामने कोई दो लड़के खड़े हो जाएं 50-50 किलो के, तो वो डर के भाग जाएगा। जस्ट बिकॉज दैट उसका दिल इतना कमजोर है ना कि झेल ही नहीं पाएगा। तो झूठी आपको आपको दिखाना है, शोशा करना है इंस्टाग्राम पे, तो मेहनत करो ना, मेहनत करो, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन वो अच्छी बॉडी बनेगी। स्टेरॉयड लेके शॉर्टकट मत यूज करिए गाइस, प्लीज, शॉर्टकट बहुत बेकार चीज है। मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हूं, बट मैं आपसे इतना कंफर्म कर सकता हूं कि स्टेरॉयड का 1% यूज आपके लिए नहीं है। डोंट यूज स्टेरॉयड, से नो टू ड्रग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए, अभी तक इसका कोई एकदम से एंटीडोट नहीं है, मतलब अपने पास, कि नहीं अगर आप स्टेरॉयड ले रहे हैं तो बाद में आप ले लेंगे। क्योंकि जो लोग अपना जो बाकी जो टेस्ट होते हैं, जिससे वो लोग सोचते हैं कि उनकी बॉडी से स्टेरॉयड पूरी तरीके से निकल गया, ऐसा कभी नहीं। अगर एक बार आपकी बॉडी में स्टेरॉयड गया तो कहीं ना कहीं ये एक्चुअली ये प्लास्टिक की तरह होता है, जिसे प्लास्टिक जो बनाया जाता है ना, वो हमेशा इसी दुनिया में रहता है, कितना भी धस जाए वो रहेगा यहीं। तो वैसे अगर एक बार आपकी बॉडी में स्टेरॉयड इंजेक्ट हो गया तो वो आपकी बॉडी में रहेगा। लोगों की गलत फहमी है कि वो बाहर निकल जाता है। व्यसन का जोखिम, गाइस देखिए, जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, आप अपने कंट्रोल में नहीं रहेंगे, आपको एक नशे की लत लग चुकी है जिसका नाम स्टेरॉयड है, तो ना आप किसी से अच्छे से बात करेंगे, ना हंसेंगे, बोलेंगे, खेलेंगे, बस आप अपनी दुनिया में मगन रहेंगे। आप अपनी झूठी बॉडी को लेकर लोगों के सामने शोशा करेंगे, जो लोगों को नहीं पसंद आएगा, फिर वो लोग आपसे चिढ़ेंगे, आप उनसे चिढ़ेंगे, तो दोनों में जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तो जाहिर सी बात है कि रिश्ते खराब होते हैं।
तो स्टेरॉयड का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इससे आपके आपसी रिश्ते खराब होते हैं। आपका कोई दोस्त है, ठीक है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप अपने नशे में इतना व्यस्त हो कि अगर वो आपको प्रॉब्लम बता रहे बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जाहिर सी बात है कि उसको तो बुरा लगेगा ना। और एक दोस्त की कीमत क्या होती है ये आप सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग जो चीज अपने फैमिली से नहीं शेयर कर सकते वो चीज हम लोग अपनी अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज दैट आप एक ड्रग यूज एडिक्टेड हो तो आपको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा उसकी प्रॉब्लम से या फिर उसकी किसी भी चीज से। तो स्वास्थ्य के साथ साथ आपके रिश्तों को भी खराब करता है, रिश्ते तो खराब करते करता है, और आप आपके करियर पर भी ये गंभीर परिणाम छोड़ता है। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो एक टाइम के बाद आपका उसमें मन नहीं लगेगा, या फिर आप स्टेरॉयड यूज़ कर रहे हैं लेकिन आप किसी कारणवश उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि आजकल बहुत होता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को अपने जिम में देखा है जो शुरू शुरू में तो जिम ज्वाइन करते हैं, उनके पास सेविंग्स होती हैं, गुल्लक फोड़ देते हैं, मम्मी पापा से लड़ाई करके ले लेते हैं कि नहीं मुझे तो मिस्टर इंडिया बनना है, मुझे मिस्टर वर्ल्ड बनना है। लेकिन वो शुरू से ही, गाइज आप हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में ना कोई जागरूक करने के लिए है ही नहीं जो बता सके कि स्टेरॉयड एक शॉर्टकट है, और शॉर्टकट कभी भी सही नहीं होता है। सो प्लीज गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और इसको इतना शेयर कीजिए कि जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं वो इसको देख के शायद मोटिवेट हो जाएं और स्टेरॉयड को ना यूज करें। तो गाइज आज की वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज कमेंट करके बताइए, मतलब मैंने कुछ गलत बोला तो भी मुझे बताइए। आगे जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू।